लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सभी सियासी पार्टियां अपने अपने मिशन में जुटी है। सभी चुनाव को लेकर अपनी नई रणनीति बनाने में लगे हैं। इसी बीच यूपी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। बीजेपी के इस फॉर्मूले में पहले वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इस बार सबसे ज्यादा जोर इन्हीं 14 सीटों पर बीजेपी करने वाली है, ताकि यूपी की सभी 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। जैसा कि बीजेपी ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव अलग अलग सियासी हालात में लड़े हैं, 2014 में उसके सामने कोई भी बड़ा गठबंधन नहीं था, जबकि 2019 में सपा और बीएसपी एक साथ थे। इस बार भी यूपी में कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सपा कांग्रेस के गठबंधन के चलते यूपी के दो लड़कों की जोड़ी हुंकार भर रही है। सपा कांग्रेस मिलकर तमाम उन नेताओं को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी सियासत हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहती है। जहां अफजाल अंसारी को सपा अपने साथ ले आई, वहीं अब अमरोहा से सांसद दानिश अली का नाम कांग्रेस से जुड़ने वाला है। सपा ने जहां अब तक अपने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन में मिली 17 सीटों पर करीब करीब उम्मीदवार तय कर लिया है, जो कि आलाकमान की हरी झंडे मिलने के बाद सामने आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी की अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है, पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट उसी 14 सीटों की आएगी जहां बीजेपी का रिकॉर्ड पिछले बार सही नहीं था। दरअसल बीजेपी का फोकस इस बार सभी सीटें जीतने का है, इसलिए बीजेपी उम्मीदवारों पर लगातार मंथन कर रही है। वैसे तो बीजेपी के उम्मीदवार तय बताए जा रहे हैं, पर फिर भी बीजेपी इस बार जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इसी के साथ बीजेपी इस बार अपने नए प्लान के तहत अखिलेश राहुल गांधी को टक्कर देने की तैयारी में है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।